वतन की सरजमी को अमन का दर्पण बनाना है, जो साथे नील थी उन्हें चंदन बनाना है। जल्दी करो, हमें निकालो अशिक्षित अशिक्षा के इस दलदल से, हमें बच्चों के तकदीर को भी रोशन बनाना है। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारे जीवन में शिक्षा एक महत्वपूर्ण एवं अभिन्न अंग है। हमारी सरकारों द्वारा तमाम योजनाओं और प्रयासों के द्वारा विकास की दौड़ में सभी को शामिल किया जा रहा है, परंतु अभी भी कुछ वर्ग कुछ लोग ऐसे हैं जो शिक्षा की दौड़ में पीछे रह गए हैं। आइए देखते हैं ऐसा ही दृश्य। ए भैया, आज बाबू जी घर पर नहीं है, चलिए चल के पढ़ लिया जाए, वो रहते हैं तो पढ़ने नहीं देते हैं। आओ अभी पढ़ लेते हैं। बोलो RAT, रैक माने मूस। CAT, कैट माने पिनार। PAROT, पैरोट माने सुग्गा। छेदी ए मगरू छिटिया, अरे कहाँ मर गए रे सब के साथ? जी बाबूजी, यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ रहे हैं बाबूजी। नहीं पढ़ना है? पढ़ा है। नहीं पढ़ना है? पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ोगे तो घर का काम तुम्हारा बाप करेगा। चल सब कराती, चल सब कर, चल चल। जब देखो तब यहाँ वहाँ जाएगा, बैठे पढ़ेंगे। ससुर का नाती एक को काम नहीं करेंगे, काम के नकाज के और दुश्मन अनाज के। पोस्टमैन 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 गांव में तो आ गया हूं, लेकिन राजू का घर कौन सा है? लगता है किसी से पूछना पड़ेगा। पोस्टमैन पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरे जानी, पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरे जानी, तेरे तेरे ना चंद्रमुखी ना पर दो पे मरो जिन्हें चंद्र गरो। अरे भैया हमको एक पता बता दीजिए, राजू के घर जाना है, राजू के घर का पता बता दीजिए। ऐसे जाना कम है पिता, बड़ा कितना पढ़ाया, बड़ा
भाई बड़ा सन्नाटा है गांव में, लगता है पूरे दुनिया की शांति यहीं आके बस गई है क्या। अब मैं अपनी आलू वाली फैक्ट्री यहीं लगाऊंगा, इधर से आलू डालूंगा, इधर से सोना निकलेगा। राजू खाना है? अरे राजू को घर जाना है। तो जाओ खा लो ना काजू, कौन होगा है? अरे भैया उनको एक चिट्ठी देना है। क्या चिट्ठी देना है? चिट्ठी मिट्टी चिट्ठी देना है भैया, उनके नाम से चिट्ठी है ये। अरे भैया कौन मर गया गाँव में, किसे मिट्टी देनी है? रुको सरपंच जी को बता के आता हूँ। कुछ नहीं हो सकता, एक तो शराबी मिला, दूसरा तहरा मिला, अब हम राजू के घर का पता किससे पूछे? एक तो गांव इतनी बड़ी है, अब हम राजू के घर का पता किससे पूछे? पोस्टमैन का बताएं भैया, एक तो इतना काम है हमका और ऊपर से हमार ई दूगो लड़के ससुर पता नहीं कहा यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ घूम रहे हैं। अभी हमको खेत की सिंचाई करनी है, खाद देना है, मेढ़ी बनाना है और ऊपर से ई ससुर एक को बात नहीं मानते हैं। आवे आज घर इतना मारूंगा इतना मारूंगा कि पढ़ाई का भूत उतर जाएगा। अरे भैया अरे भैया सुन ले, कौन है सुबह सुबह दिमाग खराब का मार दुरा को अपने धो दे। क्या हुआ बताओ? अरे हमको पता बता दीजिए। हम तेरा पता बताने के लिए हैं। अरे राजू के घर जाना है, राजू के घर का पता बता। पता राजू से? अरे उनके नाम से एक चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है? हाँ। ए भैया हम ही राजू हैं, दीजिए। नहीं देंगे। अरे दीजिए भैया, अरे भैया दीजिए। आया है अरे दस का दीजिए, दस का दस था। हाँ ए भैया ये तो एक है ना, और दीजिए तभी ना दस होगा। अरे डाक बाबू आपको तो पता है गांव में रहने वाले हम जैसे अनपढ़ आदमी अंगूठा छाप है, अंगूठा लगवा लीजिए। लो अच्छा अरे नीचे लगा कौन है? अरे लगवाइए भैया। बड़ा हे डाक बाबू, हे डाक बाबू। अरे तो पढ़ दो डाक बाबू। अरे नहीं पढ़ेंगे। पढ़ दो डाक बाबू। अरे तुम खुद पढ़ ले। अरे हम अनपढ़ आदमी है, पढ़ दीजिए। अपने बच्चों से पढ़वा ले। अरे लड़का लोग नहीं पढ़ा है। इतना बड़ा गांव है, इससे पढ़वा ले। अरे पढ़ दीजिए बाबू। अभी हम बाबा की जगह जाना नहीं करेंगे तुम्हारे ऊपर। क्या बताएं भैया, अभी हम अनपढ़ आदमी है, चिट्ठी है, संदेश है, कौन सा खबर है हमको पता ही नहीं है। अब हम किससे जाए पढ़वाए? चलो गाँव में किसी को ढूंढते हैं, कौनो ना कौनो तो मिलिए जाएगा, देखते हैं। जब लगावे लुकोल पीछे ले लाया तुझी लटोप लागे लू, तुझी लटोप लागे लू कमरिया कमरिया कोरे ला पालो पलाली पाप लागे लू। अरे इधर रजुआ है, देख लिया तो पूरा दिन खराब कर देगा। भाग ले निरहू बेटा, भाग ले। अरे बेटा निरहू, हे बेटा निरहू। अरे हो सका? हाँ। अरे बेटा तुम तो पूरा दिन ही गांव टोला मोहल्ला घूमत हो। अरे घूमत है घूमत है। तो बेटा तुमको तो पढ़ना आता होगा बेटा। अरे काका बहुत कुछ
पढ़ लेते हैं, हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी सब पढ़ लेते हैं, और वो पढ़ लेते हैं जो अभी बना भी नहीं है। अरे बहुत सही बेटा, बहुत सही बेटवा। ए बेटा ऐला चिट्ठी पढ़ दो। बुढ़ा अभी पढ़ना नहीं है। अरे हम पढ़ना जानते तो तुमसे ना कहे पढ़वाते बेटा, ऐलो पढ़ दो। बड़ा परेशान लग रहा है। कोनो पड़ोस वाली काकी का दादा का ससुर का नाती, बड़ा काकी काका जाने तो पढ़ा दो। कहा है बेटा? सिग्नल नहीं आ रहा काका। अरे हमने को सिखा रहे हो कि ना कहाँ सिग्नल होता है बेटा। आता है 5G आता है। आया गया। अरे ससुर का नाती, पूरा दिन माया यहाँ से वहां आवारा तरह घूमा तो आए हो बना सिग्नल बताओ हम का चला जाने तक। आए हो ससुर का नाती बताओ भैया हमको सिग्नल बताता है, इमा सिग्नल आता है कहीं कहा बताएं। अब चलो किसी और को ढूंढते हैं, देखें कौन सी खबर है कहां से है। ये कौन सी जगह है भाई? लगता है मैंने कोई गलत बस पकड़ ली। अरे पिता कौन नया आया है, कौन परदेसी जान पड़ता है, पढ़ा लिखा होगा, चलो इसी से पढ़वाते हैं। ए बेटा क्या है? अरे बेटा आई लमा चिट्ठी पढ़ दो। अरे हटिए, एक तो हमारी बस छूट गई और आपको अपनी चिट्ठी की पड़ी है। अरे बेटा पढ़ दो, तुम पढ़ा लिखा जान पड़ते हो बेटा, पढ़ दो। अरे अरे खुश रहो बेटा, खुश रहो बेटा, कौन हो पहचाने नहीं। अरे काका हम रामचंद्रा बिरजू का लड़का। अच्छा रामचंद्रा हो? हाँ रामचंद्रा हो। हाँ तो देखे में लगा तारा बंगरा रे। ए काका ठीक से बात करो नहीं तो हम जा रहे हैं। अरे नहीं बेटवा नहीं। अरे बेटवा तुम बहुत बहुत अच्छा लड़का, बहुत संस्कारी हो, हमको पता है ना तुम बहुत संस्कारी हो बेटवा। तुम्हारे पिताजी बहुत ही भले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी बेटा। आई लो बेटा तुम्हारी चिट्ठी पढ़ दो बेटा, पढ़ दो। पढ़ना है? हाँ बेटवा पढ़ना है। अरे यार अब मैं इसे कैसे बताऊं कि मुझे भी पढ़ना नहीं आता, लेकिन चलो देख लेते हैं। काका। हाँ बेटा। ये तो हिंदी में लिखा है, अंग्रेजी में होता तो मैं पर पढ़ देता, हिंदी नहीं पढ़ पाता हूँ काका। बड़ा अंग्रेज बन रहे हो ससुर का नाती तुम, गांव से भगा दिया गया था ना मार के तुमको, चोर है एक नंबर का, चोरी करता था कहे का संस्कारी है, गांव से मार के तो भगा दिया गया था। इकर पिताजी वो भले आदमी है, उधर एक नंबर का जुआरी है, एक नंबर का शराबी है, यहाँ वहाँ नाली में शराब पी के पड़ा रहता है। आए ससुर का नाती अंग्रेज बन रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ेंगे। क्या बताए कर लेता हूँ। अरे इतना पगला है किसनवा, कौनो नहीं मिल रहा है, इसी से कोशिश करते हैं, पता नहीं पढ़ दे भैया। इसे भिड़ने का मतलब अपने कपार फोड़ना है, लेकिन क्या करें खत भी तो है। हैं? अरे ए किशनलाल। अरे बेटा किशनु, ए किशनवा
ई का कहीं भूकंप तो नहीं आ रहा है, हमारी तपस्या ना भंग हो जाए। अरे बेटवा, हम हैं राजू काका। हमारी तपस्या भंग ना करो, पुलिस थाना में आर पार कर देंगे। वो देखो लंका पुलिस थाना। अरे बेटवा, पुलिस में जाए के कोनो जरूरत नहीं बेटवा, हम राजू काका हैं। अरे हमारी चिट्ठी पढ़ दो बेटवा। चिट्ठी? हाँ बेटवा। यानी खत? हाँ खत बेटा, खत। चाचा, खत तो हमको वो लिखा करती थी जिसके चक्कर में हमारी हाल हो गया। बड़ी दर्द भरी कहानी लगती है बेटा, कहाँ लिखती थी खत्मा? अरे चाचा, हमको पढ़ना आता तो पढ़ ना लेते, क्या लिखा करती थी? जाओ हमें तपस्या करने दो। ऐसे थोड़ी ना पगलाया है। जाओ तुम्हार सत्यानाश हो ससुर का नाती। लगता है पूरे गांव में कोनो चिट्ठी पढ़े वाला नहीं मिलेगा। भैया कोनो पढ़ दोगे? अरे तो महान पढ़ा है पता, हम जाने तो बहुत बड़ा अनपढ़ हो ससुर का नाती। और दूधा थे कोनो का कोनो अपनी भैंसिया को देखा है? कहा गई हमारी भैंसिया, सुबह से मिल नहीं रही है, कोनो देखा है? कहा गई भैंसिया? कमर तोड़ दिया ससुर का नाती। अरे भगवान। अरे यादव बेटा तुम हो? हाँ काका। तो बड़ा परेशान लग रहे हो। अरे काका क्या बताएं, सुबह से हमारी भैंसिया भाग गई है, मिले नहीं रही है। अरे बेटवा हमारे तो काम कर दो बेटा। अरे काका आपको अपना काम का पड़ा है, हमारी भैंस भाग गई है। अरे बेटा हम तुम्हार भैंसिया खुदवा देगा बेटा, तो हमारी चिट्ठी पढ़ दो बेटा। खुदवा देंगे? भाई रुका काका। पानी भर ले ले भाई। अरे काका खा। काका भाई पढ़ना है, पढ़ना है ना भाई, पढ़ देते हैं। नहीं बेटा पढ़ना है बेटा, पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है बेटा, बेटा। अरे काका काका आइला अनारे भैया चिटिया फटवा फटवा कर गई। अबे हमार भैंसिया भागे, भैंसिया फर भैंसिया वो भैंसिया। ये देखो भैया इतना दिन के उजाला है, इनका ससुर का दिन में ना दिखा दे, अन्यारे में पड़ी है। भगवान करे तुम्हार कुल भैंस भाग जाए और तुम्हें कबहू ना मिले। कौनो हमार चिट्ठी नहीं पढ़ेगा लगता है। कौन सी खबर है का बताए भैया, शाम हुई हुआ सुबह से यहाँ से वहां भटक रहे हैं, बहुत परेशान है। अरे कौनो तो पढ़ दो भैया। पोस्टमैन पोस्टमैन। अरे डाक बाबू, अरे डाक बाबू, अरे डाक बाबू, डाक बाबू हमारी चिट्ठिया पढ़ दो बाबू, पढ़ दो भैया। हम नहीं पढ़ेंगे। अरे सुबैया देते गए थे तब से यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं बाबू, पढ़ दो बाबू, पढ़ दो। रुको रुको रुको, पढ़ रहे हैं, पढ़ो बाबू, पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ा पढ़ा। हम 2013 से नहीं नहाए हैं। तो दूरी हो बढ़िया बाबू। प्रिय दामाद राजू हम आपके सास ससुर। अरे मरे बड़ा बड़ा मातम मना रहे ससुर के नाते, पहले सुनो तो कौन सी खबर है। ये बताना चाहते हैं कि कल अस्पताल में आपकी पत्नी। अरे मारे गरी क्या किया। अरे चुप रहो, चुप रहो। अरे हमार महिलारू कहा होगा। अरे डाक बाबू, अरे डाक बाबू, चुप 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 चुप।
बेटवा दू भाई का पूरा तबेरा तुम्हारा तुम्हार चाचा बहुत खुश है बेटवा। एक काका हमका देवल दारू चाहे दू बोतल का बेटा पूरा ड्रम ले ला ड्रम ड्रम ले ला। ओए काका पूरा डीजे बजेगा डीजे मोहल्ला हिलेगा बेटवा पूरा मोहल्ला। काका का हमारी महबूबा का लिखा करती थी इसमें बस ससुर कराती इस तोरा महबूबा का नाम हमार महरारू देखा था ये पता है कि वो सरवा। ए बाबूजी अब हमको पीएचयू में पढ़ाइएगा। हाँ बेटा पढ़ाएंगे बेटा अगर पढ़ने के लिए होते बेटा तो हम ये पूरा दिन यहाँ से वहाँ भटक रहे हैं तू चिट्ठी पढ़वाने के लिए तुम्हार माता जी हमार राह जो खत्म है उनका हमार जरूरत है बेटवा अगर हम पढ़े होती तो उनके पास फौरन पहुंच जाते बेटा। हम तुमको पढ़ाएंगे कल तुम्हारा दाखिला करवाएंगे बेटा कल तुम्हारा नाम लिखवाएंगे और खेत का काम घर का काम सब काम ये रजुआ करेगा तुम्हार बाप करेगा बेटा तुम्हार बाप रजुआ करेगा तुम दोनों भाई पढ़ोगे और जो आए हैं बेटवा उनको भी पढ़ाओगे। तो देखा आप लोगों ने हमारे जीवन में शिक्षा का कितना महत्व है। शिक्षा जैसे हमारे लिए खाना कपड़ा हवा पानी ये जरूरी है वैसे ही हमारे लिए शिक्षा भी बहुत जरूरी है क्योंकि शिक्षा ही हमें कहीं भी खड़े रहने का हिम्मत प्रदान करता है। भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जिसे जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अगर हमको कहीं भी अपना हिम्मत दिखाना है किसी जगह पर क्या बोलना है किसके हिसाब से क्या बोलना है ये हमको अपने अंदर ज्ञान लाना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि जुबा खोले तो क्या बोले अनुमान रहे तो अच्छा है अपने अपने कर्तव्यों का भान रहे तो अच्छा है। दुनिया में घुलना मिलना मुकाम बनाना ठीक मगर पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है पहले जरा खुद से खुद की पहचान रहे तो अच्छा है। तो अगर हमें खुद से खुद की पहचान करनी है अगर हमें हमारे कर्तव्यों को जानना है तो इसके लिए शिक्षा ही एकमात्र साधन है क्योंकि आप लोग भी जानते हैं समझदार हैं बुद्धिजीवी हैं हमारे देश में आए दिन जितनी भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी झगड़े से लेकर के बड़े से बड़े अपराध और संगीन जुर्म हो रहे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अशिक्षा एक बहुत बड़ा कारण है मेरे दोस्तों। और अशिक्षा केवल कुछ गांव और कस्बों में ही नहीं है बल्कि हमारे देश के हर एक कोने कोने में यहाँ तक कि हमारे संसद में भी फैली हुई है। और उस गंदगी को दूर करना है तो इसमें हमको और आपको मिल करके कदम बढ़ाना पड़ेगा मेरे दोस्तों क्योंकि आपने जो लक्ष्य ठाना है आप उसको हासिल कर लीजिए और ईश्वर करे कि आप लोग सफल होएं। लेकिन सफल होने के बाद मेरे भाइयों अपने गांव से अपने समाज से और अपने देश से देश के अनपढ़ लोगों से मुंह मत मोड़ लीजिएगा बहुत ज़्यादा कुछ मत करिएगा मेरे भाइयों। द चेंजर्स टीम की ओर से ये निवेदन है ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा तो कम से कम एक गरीब बच्चे को पढ़ाने का जिम्मेदारी जरूर लेना मेरे भाइयों एक गरीब बच्चे को पढ़ाने की जिम्मेदारी लेना बस क्योंकि हम लोग जो खाने हैं इसमें बस आपको अपनी आवाज़ मिलानी है कि दहलीज पे रखती है किसी शख्स ने आंखें दहलीज पे रखती है किसी शख्स ने आंखें रोशन कभी इतना तो दिया हो नहीं सकता बस तुम मेरी आवाज़ से आवाज़ मिला दो फिर देखना इस शहर में क्या हो नहीं सकता फिर देखना इस तो इसीलिए शिक्षा बहुत जरूरी है क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। भारत माता की जय भारत माता की जय भारत माता की जय जय हिंद।